हेलो दोस्तों, एड्रियाना और एरियाना के शो में आपका स्वागत है। वीडियो के टाइटल को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो हमारी डल और रफ स्किन के लिए है। कुछ जरूर बातें कि सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में आज हम घर में ही बनाई गई सामग्री के बारे में बात करेंगे जो कि स्किन से रिलेटेड है। मुझे ज़्यादा सैलून में जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने घर पर ही एक ऐसा फेस पैक बनाया है जिसने मुझे फर्स्ट डे की ही रिज़ल्ट दिया। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एलोवेरा लीफ, फ्रेश लीफ लेना है। एक लीफ से सारी जेल अच्छे से निकाल के एक बाउल में डालनी है। उसके बाद 4 स्पून मुल्तानी मिट्टी आपको उसमें मिक्स करना है। एक चुटकी हल्दी पाउडर डालना है। ध्यान रखिएगा कि एक चुटकी हल्दी डालिएगा, उससे ज़्यादा मत डालना क्योंकि ज़्यादा डालने से जो है फेस की चमक नहीं आती है। राइस फ्लोर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और एक्स्ट्रा टाइनिंग को दूर करने में हमारी हेल्प करता है, तो राइस फ्लोर भी आपको हाफ टेबल स्पून ही डालना है। पांचवा है हमारा बेसन। बेसन बहुत अच्छी चीज़ होती है हमारी स्किन के लिए। 2 स्पून जो है वो हमें डालना है उसके अंदर। आपके पास जो स्किन की जो गंदगी है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है, वो सारी निकालने में हमारी हेल्प करता है। कच्चा दूध, दोस्तों कच्चा दूध डालना मत भूलिएगा, क्योंकि कच्चे दूध से क्या होता है कि हमारे फेस में मॉइस्चराइज आता है और हमारा फेस जो है सॉफ्ट हो जाता है, तो ये डालना आप ना भूलिएगा। और 1/2 टेबल स्पून जो है आपको कोकोनट ऑयल डालना है। कोकोनट ऑयल जो है आपके फेस पे लगे हुए जितने भी आपके दाग धब्बे होते हैं उनको दूर करने में हेल्प करता है। जैसे कि कोई चोट लगी हो फेस पे, या फिर कोई ऐसा दाग हो, या फिर नाखून का दाग हो, तो उसको निकालने में जो कोकोनट ऑयल है बहुत ही हेल्प करता है। इन सबको एक मिक्स ग्राइंडर में मिलाकर आप ग्राइंड कर लीजिए, और जब आप उसको ग्राइंड कर लेंगे उसके बाद बॉल में निकाल लीजिए और ये फेस जो है आप अपने फेस पर लगाएं। अगर आपकी स्किन काफ़ी डेलिकेट है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आती हैं, तो आप प्लीज़ डेमो के लिए एक बार अपने हाथ पे लगा के देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर कोई एलर्जी या इचिंग फील होती है आपको, तो प्लीज़ अपने फेस पे मत लगाइए। और अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप इसको डेली बेसिस पे भी लगा सकते हैं। रिज़ल्ट आपको हाथों से ही पता चल जाएगा कि क्या रिज़ल्ट आता है इसमें। ये जो फेस पैक है मैंने 1 वीक के हिसाब से बना लिया है। आप भी 1 वीक या 2 हफ्ते के लिए बना सकते हैं, आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर नेक और एल्बो में आपकी काले धब्बे हैं, या फिर ब्लैक है, या फिर टाइनिंग है, तो उसको दूर करने के लिए आप सेम जो भी आपको बताया है मैंने फेस पैक, इस पर 1/2 नींबू काट कर उसको इसके साथ मिलाकर अपनी गर्दन पे आप कम से कम 15 से 20 मिनट तक रगड़िए, और इसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत जल्दी दिखेगा। जो गले की, नेक की जो टाइनिंग होती है, ब्लैक होता है जो, वो भी सारी गंदगी है दूर कर देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप अपने फेस पे इसको इस्तेमाल करते हैं तो फेस पे आपको नींबू के साथ रगड़ना नहीं है। आपको सिर्फ नींबू के 2 से 3 रस जो बूंदे हैं, 4 बूंदे हैं, वो आपको सिर्फ उसमें डाल के इसको घोल लेना है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस चीज़ को डेली बेसिस पे करें। अगर आप बिजी रहते हैं तो हफ्ते में 3 बार ज़रूर कर लीजिएगा, और नेक और जो एल्बो आपको रगड़ना ही नींबू के साथ, वो आप कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 2 से 3 बार कीजिए। तो आपको धीरे धीरे इसमें अपने आप ही सुधार आएगा और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसने मेरे लिए कैसे वर्क किया। मैं पूरे एक्सपीरियंस से ही आपको ये बता रही, क्योंकि मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है। 101% मुझे इसका रिज़ल्ट देखने को मिला है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों की ये समस्या दूर करने में आपकी हेल्प कर सकूं। फेस पे इस पैक को आप डेली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 10 से 15 मिनट के लिए। ज़्यादा अगर आप लेना चाहते तो भी ले सकते हैं, तो 10-15 मिनट इसलिए मिनिमम या मैक्सिमम है, और हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको मार्केट से भी कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं उसी से ही आप इसको अच्छे से कर सकती हैं। मैं आपको अपना बिफ़ोर और आफ्टर दोनों करके दिखाऊंगी, तब आपको ज़्यादा इसमें देखने को मिल सकता है।
आप लोग इस पैक से कितने प्रभावित हुए हैं कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसको यूज़ कर सकें। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर Facebook या Insta पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के साथ ये फेस पैक की जो सामग्री, जो भी ये सारा सीरीज़ है, ये शेयर करने वाली हूँ। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट एपिसोड की सीरीज़ में बस इतना ही, आगे आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।